पंछी था उनका साथी कि जा और मेरे चित्तौड़गढ़ में जाकर के मेरी सारी की सारी निशानी बता दे कि एक मेमनों के बीच में एक बाघ घिरा हुआ है। क्या बताया? एक एक बोल कवि ने खटक पैदा कर देने वाला लिखा। क्या लिखा? बाकी वाला रागड़ी में कैसे दौड़ के चित्तौड़ जा तू तेरे दास को ओ दोत्री विजय दास को बैठी सत्य शिला सीता होगी दरवाजे पे दरवाजे पे जो तो सदन में रामायण और गीता होगी दरवाजे कथनी शंकर भैरवी सी कह रहे होते व्यास जेमनी व्यास जेमनी नारद के संग योगाश्रम में ठहरे होते सम्मान किया बार बार धन्यवाद। परमादरणीय 100 रुपए सूबेदार राम नरेश शर्मा जी पच देवरा से वो 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 101 रुपए छोटे भाई सुमित कुमार शर्मा पच चेवरा से भाई वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। सजनों 10वीं क्लास में एक कविता आती थी करण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक हो गया निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाड़ा था। वो राणा प्रताप का घोड़ा था कहने लगा दूसरी गली में कि माँ मैं तुझे बहुत याद कर रहा हूँ क्योंकि अपनी मातृभूमि को सब याद करते हैं अपनी मातृभूमि अपनी ही मातृभूमि होती है। क्या लिखा? सांप दिखती भारत माँ की सूरत होती इसी
जगह पे इसी जगह पे रुक जा पक्षी आगे ना जरूरत होगी। पहले परमादरणीय संदीप खालोर जी भगत सिंह यूनियन के 1000 रुपए दे चुके हैं, 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। और हमारे भाई मान सम्मान करके गए थे बार बार धन्यवाद। और 1100 रुपए मेरे बहुत ही परमादरणीय भाई लोकेश बैसला जी नरोली से, भाई वो भी हमारी इस रागड़ी पर खुश होकर दे के गए थे, बार बार धन्यवाद करते। भाई रागड़ी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली देश शहीदों के लिए हो जानी चाहिए। भाई सभी कलाकारों का मान सम्मान किया है परमादरणीय राजवाला जी रुड़की से, 100 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और परमादरणीय केशव जी हिलना गांव से, भाई 101 रुपए से वो भी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। सजनों तीसरी गली में कहने लगा कि मैं उन मेमनों में घिर गया हूं जिनका कोई वजूद ही नहीं है हमारे भारत देश में। क्या कहने लगा, कैसे मेरी जन्मभूमि ते हो मेरी जन्मभूमि ते तू कहे साथी मैं मनों में गिर गया बा सूरज अंधा हुआ घूस से हिमालय में चढ़ की आग हार कहो इसे महाराणा की या भारत का सुरा हार कहो महाराणा की या भारत का सुरा हाथ पैर में अचंबा है होके दूर एक गया पैरी के पक्ष में एक झुकाना यही कसूर राजी है हरी राजी है मेरी हार पता माँ या कहते राजूर राजी है मेरी हार की कहने लगे महाराणा प्रताप कि मैंने जो गुलामी के बंधनों में मेरी भारत माता जकड़ी हुई है उसको मैं छुड़ाऊंगा क्योंकि मैंने भारती के स्तनों का दूध पिया है। धन्यवाद जी सभी के लिए, भाई एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। हमारे आदरणीय अंकल जी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। कहने लगा कि इतिहास में भी मेरा नाम दर्ज होना चाहिए क्योंकि इतिहास जब लिखा जाएगा तो महाराणा प्रताप का नाम अलग आना चाहिए क्योंकि मैंने अपने भारत के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मेरा भाई शक्ति सिंह वो अकबर के पास चला गया लेकिन मैंने अपने हमेशा देश के साथ सोचा है मेरा देश आगे बढ़ेगा। क्या लास्ट कली में लिखा, कैसे सन्मुख तेरी सौगत है झुकूंगा नहीं दीवा करूं दीवा करूं बादलों के अंग में झुकूंगा नहीं दीवा करूं बादलों
हुनका खदकता कतरा शपत है चुकाओ सूद गुलाबी की